Let's continue with the numerical of chapter 2, that is the solution. So our first topic is Henry's law, right? So Henry's law equation kya hai? Pa is equals to kh xa, where Pa is the partial pressure of gas, kh is the Henry's constant, xa is the mole fraction of a gas, right? So our first numerical is, if N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry's constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 kilobar. जो चीज हमें गिवन है हम लिख लेते हैं. जो PN2 हमें दे रखे है वो कितना दे रखे है आपको? That is equal to 0.987 bar. KH दे रखे है N2 के लिए 76.48 किलो बार, राइट. हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ N2 इन 1 लीटर वॉटर, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट. तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, और मोल फ्रैक्शन से हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. तो फॉर्मूला क्या था? Pa is equals to KHX. Pa कितने? 0.987 bar is equals to KH, 76.48. किलो बार में इसको हम किस में चेंज कर देंगे? बार में, राइट. तो हम क्या करेंगे? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 76.48 अपॉन 100 इंटू में 1000 कितना आ गया? 76480 bar. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 76480 इंटू में X, और x से कितना आ गया? 0.987 अपॉन 76480. और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1.29 इंटू 10^-5. ये तो आपका मोल फ्रैक्शन आया. हमें क्या निकालना था? नंबर ऑफ मिलीमोल्स. तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वोट. एक्स N2 कितना हो जाएगा? n ओवर N2 प्लस N1, राइट. अब वोटर के अंदर है 1 लीटर, वोटर के नंबर ऑफ मोल्स आप कितने कैलकुलेट करोगे? कितना होता है? 55.5. तो आप इधर लिख सकते हो n ओवर में n प्लस 55.5, राइट. तो x N2 आपने कितना निकाला? 1.29 इंटू 10^-5 इज इक्वल्स टू n ओवर n प्लस 55.5. तो 1.29 इंटू 10^-5 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 55.5 इज इक्वल्स टू n. सॉल्व करें, 1.29 इंटू 10^-5 n प्लस 55.5 मल्टीप्लाई बाय 1.29 इंटू 10^-5 इज इक्वल्स टू n, राइट. और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? n इज इक्वल्स टू 71.595 इंटू 10^-5 मोल्स. और हमें इसको किस में निकालना है? इसको मिली मोल में. तो n कितना हो जाएगा? 0.716 मिली मोल्स. वी हैव द सेकेंड न्यूमेरिकल. सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या है? एट व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन विल हैव द सॉल्युबिलिटी ऑफ 0.05 ग्राम पर लीटर इन वाटर एट 293 केल्विन. हेनरीज कांस्टेंट KH फॉर O2 इज 34.86 किलो बार. एज्यूम द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, राइट. अब सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? वाटर. और वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर. डेट मीन्स ये किसकी डेंसिटी हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो भी कितनी होगी? 1 ग्राम पर मिलीलीटर. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मास निकालते हैं सॉल्यूशन. तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. हम 1 लीटर सॉल्यूशन मान के चलते होते हैं,
तो डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, मास हमें निकालना है, और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ग्राम आपका क्या हो गया मास। दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इसने क्या गिवन दिए, ऑक्सीजन विल हैव द सॉल्युबिलिटी, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कितनी है 0.05 ग्राम पर लीटर। तो मास कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा आपके पास 0.05 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर कितना आएगा 1000 माइनस 0.05 ग्राम, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब 0.05 ग्राम बहुत कम है, हम इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1000 ग्राम। तो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले NH2 गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास यानी कि 18 ग्राम कितना आ गया। फिर हम निकालते हैं NO2 गिवन मास कितना था यहाँ पे 0.05 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32। इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 1.56 × 10⁻³ मोल्स। और हमें क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा XO2 इज इक्वल टू 1.56 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.56 × 10⁻³ प्लस 55.5। जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा आपका 1.56 × 10⁻³ बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी है, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.56 × 10⁻³ अपॉन 55.5 विच इज इक्वल टू द 2.81 × 10⁻⁵। राइट, तो ये मोल फ्रैक्शन आया। अब हमें क्या निकालना था पार्शियल प्रेशर, तो हम पार्शियल प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो PO2 इज इक्वल टू के आप KH कितना दे रखा है आपको 34.86 किलो बार। राइट, तो हम इसको क्या करेंगे बार में चेंज कर देंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू में 2.81 × 10⁻⁵। तो कितना हो गया PO2 इज इक्वल टू 34.86 मल्टीप्लाई बाई 2.81 × 10⁻⁵। और अगर हम इसको सोल्व करें कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करने पे 0.98 बार आ जाएगा। दिस इज द PO2। नाउ आर थर्ड न्यूमेरिकल, एयर कंटेन O2 एंड N2 इन द रेशियो ऑफ 1:4। O2 और N2 1:4 में आपके पास प्रेजेंट है इन एयर। राइट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एंड N2 डिजोल्व इन वॉटर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर एट विच हेनरीज कॉन्स्टेंट फॉर O2 एंड N2 यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ KO2 और KN2। KO2 आपके पास है 3.30 × 10⁻⁷ टोर और 6.60 × 10⁻⁷ टोर, ये गिवन है। तो हमें क्या निकालना है XO2 एंड XN2 का रेशो निकालना है। राइट, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा। अब देखो दोनों का टोटल कितना हो गया 5, 1 + 4, तो टोटल में से कितना पोर्शन प्रेजेंट है 1/5 मल्टीप्लाई बाय एटमोस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो आपका 1 bar है, हम बार में लेके चलते होते हैं, तो किसके इक्वल हो गया 0.2 bar के। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 तो ये कितना है 4/5 × 1 bar, ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका 0.8 bar के। अब फॉर्मूला पुट करें PO2 इज इक्वल्स टू KO2 इंटू में XO2 और PN2 इज इक्वल्स टू KN2 इंटू में XN2। रेशो निकाल लें, डिवाइड कर दें, PO2 कितना था 0.2/0.5 इज इक्वल्स टू KO2 3.30 × 10⁻⁷ / 6.60 × 10⁻⁷
इंटू एक्स ओ टू अपॉन एक्स एन टू, 10^7 से 10^7 कैंसिल, ये 2 पे चला जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.2 इंटू 2 अपॉन में 0.5 इज इक्वल्स टू एक्स ओ टू इंटू एक्स एन टू, कितना आएगा ये 0.4 अपॉन में 0.5 इक्वल टू एक्स ओ टू एक्स एन टू, सो ये 0.8 था ना, 8 है ये 0.8, तो ये 1/2 कितना था, 0.2 अपॉन 0.8 इज इक्वल्स टू 3.30 इंटू 10^7 अपॉन 6.60 इंटू 10^7 एक्स ओ टू और एक्स एन टू, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 0.4 अपॉन में 0.8, तो कितना हो गया, तो 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स ओ टू एक्स एन टू, तो रेशो कितना आ गया 1:2। दीज आर सम न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ हेनरीज़